ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं और सूत गोस्वामी बताते हैं कि जो प्रश्न आपने पूछे है ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा था, तो हम आपको वही उत्तर देते हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था, क्योंकि उस समय मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो परीक्षित महाराज के जो और सुखदेव गोस्वामी का जो चर्चा है उसमें परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को पूछे उनके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी अलग अलग जो है कन्वर्सेशन वो कोट करते हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि अच्छा ये एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी यही इसी तरह के प्रश्न पूछे थे, या ब्रह्मा जी ने भगवान से, या नारद जी ने ब्रह्मा से, या पृथु महाराज ने चतुष कुमारों से, है ना। तो सिमिलर प्रश्न है, और जो एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें वो ये है कि संसार में सभी लोगों का कल्याण कैसे होगा सबको, क्योंकि वैसे तो जीवात्मा का नेचर है कि वो आनंद की खोज में, सभी सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, बस सुख ही नहीं मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है ना। तो स्वर्ण कहते हैं भूरणी भूरि कर्माणी श्रोतव्या अतः सारम समुद्र मनीषया ब्रूहि ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। तो हमें सभी शास्त्रों का यत सारम अतः साधो यत सारम समुद्र मनीषया, यत सारम माने जो कुछ भी एसेंस है, जो पूरे शास्त्रों का सार है, उससे ये बताइए कि ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। भद्राय फॉर द सभी लोगों के लिए, भूतानां माने सभी जीवों के लिए जो ऑस्पीशियस यानी शुभ है, और जो येनात्मा सुप्रसीदति जो उनकी आत्मा को आत्मा के स्तर तक जो उन्हें संतुष्ट कर दे, ऐसी चीज हमें बताई। आदमी को क्या चाहिए, आत्मा के सदर को संतुष्ट कर दे, ऐसी चीज हमें आप बताइए, ये है प्रश्न। तो ऐसा ही प्रश्न विदुर ने मैत्रे से ही पूछा है कि समस्त इस संसार के समस्त जीवों को इतना कष्ट है, उन कष्टों से निवारण का क्या उपाय है, वही प्रश्न वही परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, वही पृथु महाराज पूछ रहे हैं। ये ही प्रश्न है जो, क्योंकि जो वैष्णव लोग हैं उनकी चर्चा में यही प्रश्न आ रहा है कि लोगों का कल्याण कैसा हो, है ना। तो उत्तर में सवई पुंसाम परोधर्म भक्ति आत्मा सुप्रसिद्धि, उत्तर वही है कि भगवान कृष्ण की भक्ति, सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान कृष्ण की भक्ति करना, और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अयुत की और अप्रीतिहता, यानी कि वो भक्ति में हमारा जो उद्देश्य है वो भक्ति का उद्देश्य भक्ति ही है, और कोई कारण ना हो उसमें, है ना। माने जो हमारे मोटिवेशंस हैं भक्ति करने के पीछे वो क्या है, तो अहित की होना चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं है और कोई इंटरेप्शन नहीं है, लगातार हम भक्ति कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, ये आत्मा सुप्रसिद्धि, हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। आत्मा के स्तर पर व्यक्ति संतुष्ट कब होगा, जब भक्ति करेगा। भक्ति कैसे करेगा, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, वही नवविधा भक्ति, हर जगह घूम फिर के भागवतम में जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि संसार के जीवों के कल्याण के लिए क्या काम करना है, तो उत्तर में यही चीज़ आती है कि श्रवण कीर्तन या विष्णु का स्मरण, कृष्ण कथा। कृष्ण कथा ही उनको संतुष्ट कर सकती है। और अनेक अनेक जगह जहाँ जहाँ भी ये प्रश्न पूछा है, सनत कुमारों ने पृथु महाराज को भी यही उत्तर में बताया है, कृष्ण कथा सब जगह, है ना। भगवान शंकर ने प्रचेताओं को भी यही कहा, भगवान कृष्ण की भक्ति, है ना, रुद्र गीत में, और जिधर भी आ गए सुखदेव गोस्वामी ने भी, हर जगह यही चीज आ रही है कि भक्ति करना है कृष्ण की, और भक्ति करते हैं श्रवण कीर्तन, यही भक्ति है। इससे ही हमारा, दूसरों का, समस्त संसार का कल्याण हो सकता है, सभी जीव इससे ही शांति, उनकी आत्मा को संतुष्टि सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब वो इसको करे। अच्छा, तो अब आता है प्रश्न कि भैया अगर हमने भक्ति करी तो क्या हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे क्या, है ना। तो कष्ट आएंगे या नहीं आएंगे, तो है हम भागवतम इस चीज पे फिर डिटेल में चर्चा करती है कि भैया आप जो भक्त है उनके जीवन से सीखो कि उनके जीवन में क्या होता है,
है ना। तो जैसे कुंती महारानी है तो उनके जीवन में क्या हुआ, कुंती महारानी के जीवन में कष्ट ही कष्ट आए, उनके बच्चों के साथ उनका राजपाट छीन लिया पांडव, द्रौपदी द्रौपदी के साथ गलत हुआ। कुंती महारानी का यंग एज में उनके पति मृत्यु हो गया, उनको जंगल में जाना पड़ा, जिस घर में रहते थे उसने आग लगा दी, उनके बच्चों को जहर पिला दिया, पता नहीं क्या क्या उनके साथ कष्ट हुए। पर इन सब कष्टों के बावजूद उनका जो भगवान में विश्वास है वो कम नहीं हुआ है। तो कुंती महारानी जब भगवान सब सब कुछ सही हो गया, सब सेटल हो गया और सब युधिष्ठ महाराज राजा बन गए, सब बढ़िया हो गया, सब शांति हो गया, तब जब भगवान जाने लगे द्वारका, भैया हमें भी जाने दो, हम तो भगवान कहते भैया हम आप लोग तो एक पत्नी वाला ऐसे नहीं रह सकता, हमारे तो 16108 हैं, है ना। महाराज बता रहे होंगे क्लास में कि भगवान का भी हम भी गृहस्थी वाले हैं, रिश्तेदारी में एक दो दिन रहा जाता है, 7-7 महीने में यहाँ रहे हो, तभी जो है कुंती महारानी आ जाती। कुंती महाराज ने बोला है कि ऐसे सुख शांति से क्या फायदा कि अब आप जा रहे हो, इससे अच्छा है हमें और दुख परेशानी हमारे जीवन में आप दीजिए ताकि हम कम से कम आपका स्मरण तो कर सके, क्योंकि जब दुख होते हैं हमारे जीवन में, अभी तक इतने दुख थे तो आप हमारे साथ थे, है ना, अब आप दुख नहीं है तो आप जा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो दुख ही अच्छे हैं, क्योंकि दुख और सुख इम्पॉर्टेंट नहीं है, कृष्ण का संग इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जब युधिष्ठिर महाराज दूसरा केस में, युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध के बाद पूरा व्याकुल थे कि हमारे एक आदमी के वजह से इतना नरसंहार हुआ, तो उनको समझाने के लिए जब कृष्ण उनको भीष्मदेव के पास ले गए तो भीष्मदेव भी यही कहते हैं कि तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट आए, जो कुछ भी हुआ सब कृष्ण की कृपा से हुआ, तो इसे कृष्ण की कृपा मान के और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट थे तब तुमने इसे कृष्ण की कृपा मान के स्वीकार किया, तो अब इसको भी ये तुम कैसा कर सोच रहे कि तुमने मारा, सब कृष्ण ने ही किया है। तो अभी कुंती महारानी का उदाहरण में हमने देखा कितने बड़े भक्त है, उनके साथ कृष्ण स्वयं है, पांडव द्रौपदी कुंती इनके साथ कृष्ण स्वयं है, पर फिर भी इनके जीवन में क्या हो रहा है ना। और इसके बाद हम देख रहे कि विदुर जी, ये सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगा, एक दिन में कथा सुन रहा था उसमें मैंने सुना, विदुर जी का एक तो मंत्री थे, तो हस्तिनापुर में उनको बुलाया कि भैया ऐसी ऐसी समस्या हो गई, आप सलाह दें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, कि अभी तो कृष्ण भी गुस्सा होकर चले गए हैं दुर्योधन से। तो उन्होंने समझाया कि भाई देखो पांडवों का है, उनको धर्म के हिसाब से उनको ही राज मिल जाना चाहिए, आप उनको दे दीजिए, और बोला कि ये जो तुम्हारा बेटा है ना दुर्योधन, इसके चक्कर में ही आप सब मरेंगे, तो इसको छोड़ो इसका संग। तो उनके साथ दुर्योधन ने बड़ा ही उनका जो है अपमान किया और कहा कि दुर्योधन कहता है इस दासी के पुत्र को किसने बुलाया, बुलाया किसने इसको, और इसको निकाल दिया यहाँ से, तुरंत निकाल दिया जाए, और ध्यान रखें कि ये कुछ भी ना ले जाने पाए, इसको सिर्फ इसकी सांसें इसको दो और बस सांस ही अपनी ले जाए, और यहाँ से तुरंत निकालो इसको। तो विदुर जी वहाँ से अपना धनुष बाण वहीं छोड़ के और तुरंत निकल गए। अब समझने वाली बात है कि विदुर जैसे भक्त, हमने सुना है कि विदुर कृष्ण ने विदुर के इतना प्रेम करते थे कि दुर्योधन के घर पे इतना सब कुछ जो बहुत सारे आइटम बने हुए थे वो ना खा के, दुर्योधन के यहाँ पे ना जाके और विदुर के घर जाके जो है केले के छिलके खाए। आप देखिए तो विदुर जी जो है, अब इस मोमेंट पे हम देख रहे हैं कि विदुर जी अचानक जॉबलेस, फैमिली लेस, होमलेस, सब लेसी लेस है ना, रोड पे आ गए बेचारे। तो भी हम देखेंगे अरे इतना भक्ति किया और मेरा जॉब चला गया है, और मेरा ये हो गया और मेरा वो हो गया, कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग भगवान को ही, हम क्या करते कभी भी भगवान को ब्लेम करने लग सकते कि भगवान ने वो इतना भक्ति किया फिर भी हमारी रक्षा नहीं करी ये सब। पर विदुर जी का क्या है ना, तो जैसे हम एक एक भक्त के भागवतम में इन सब भक्तों के हम एटीट्यूड को देखेंगे कि जब उनके जीवन में समस्याएं आ रही तो उसको कैसे देख रहे हैं। तो विदुर जी ने कैसे देखा, विदुर जी कहते अरे ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी की मेरे ऊपर हो गई है कृपा, क्यों
क्योंकि इतना मैं कहाँ इसमें फंसा हुआ था, चलो इस बहाने से भगवान का भी भजन करने का बहाना मिल गया, अब मुझे सब आराम से, पहले छोड़ नहीं पा रहा, भगवान की कृपा से अपने आप ही छूट गया सब, है ना, मैं आराम से तीर्थ स्थल जाऊंगा, भजन करूंगा, श्रवण कीर्तन में अपना समय बिताऊंगा, कितना अच्छा हो गया मेरे साथ, है ना, आराम से। ये विदुर जी का भाव है जब उनके जीवन में कष्ट आया, और छोटा मोटा कष्ट नहीं आया, जैसे बताया जॉबलेस होमलेस सबलेस, है ना। दुर्योधन ने कहा कि ध्यान रखना कि ये सांसों के अलावा और कुछ ना ले जाए, तो इतनी विषम परिस्थिति में भी भाई कल तक आदमी मंत्री है, आज वो रोड पे आ गया है, तो उस समय भगवान की तारीफ करना एक बड़ी बात है, है ना। तो यहाँ पे भागवतम विदुर जी के चरित्र से हमें ऐसे सिखा रहे हैं, है ना। और फिर नारद जी बेचारे छोटे से उम्र में भगवान की भक्ति, उनको वैष्णवों के संग से कृपा से जब मिल गई तो भगवान की भक्ति और अच्छे से करना चाह रहे थे, तो आगे अब कह रहे हैं कि भाई कैसे जाऊँ, तो मेरी तो माँ है, और मेरी माँ और मैं हम दो ही हैं परिवार में, जो कुछ मेरी माँ करती है मेरे लिए करती है, तो कैसे करें। तो उसी समय क्या होता है कि जब उनकी माँ एक दिन गाय से दूध निकालने गई वहाँ आश्रम में, तो उनको सर्प ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने तो, नारद जी व्यासदेव को बता रहे हैं कि मैंने इसको कृष्ण की कृपा माना, कि जो मेरे भक्ति में मैं नहीं बढ़ पा रहा था, तो अब मैं भगवान ने ऐसी परिस्थिति कर दी कि अब आराम से बिना किसी टेंशन के जंगल में जाके कृष्ण का पूरी तरीके से श्रवण कीर्तन कर सकता हूँ, है ना। तो अच्छा, अब फिर परीक्षित महाराज, नारद जी का हमने एटीट्यूड देखा कि उनके जीवन में क्या हुआ, और तो एक व्यक्ति का जॉब चला गया है, उसको घर पे उसकी पद पहचान सब चली गई, रोड पे आ गया, दूसरे व्यक्ति का परिवार के इतना, एक ही उनके परिवार में सदस्य है उनकी माँ, और वो भी उनके उनके से चली गई। पांडवों के जीवन में देखा कि अपमान है ना, उनकी इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है जो पांडवों के साथ हुआ, कि उनके सामने उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, है ना, द्रौपदी के लिए कुंती के लिए एक महारानी होकर वो जंगलों में घूम रही है, तो इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है, है ना। फिर आगे हम देखते हैं परीक्षित महाराज का तो चरित्र भागवतम में क्या कहते हैं कि परीक्षित महाराज वो राजा हैं जिनका जहाँ उनकी चर्चा हो वहाँ कृष्ण कथा करनी ही पड़ेगी आपको, बिना कृष्ण कथा के परीक्षित महाराज का चरित्र ही नहीं हम वर्णन कर सकते। उनका जन्म की बात करेंगे तो कृष्ण कथा, उनके मृत्यु की बात करेंगे तो पूरी भागवतम, उनके जीवन की बात करेंगे पूरा, जैसे उन्होंने वज्रराग के साथ मिलके ब्रज में इतने सारे मंदिरों की स्थापना, विग्रहों की स्थापना, जगह जगह भागवतम का अरेंजमेंट और सब करवाया, तो वो सब हमें चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। तो परीक्षित महाराज जैसे भक्त, उनके साथ क्या हुआ, अच्छा खासा राजा, कोई गलती नहीं ऐसी कोई खास, इतना बड़ा कोई वो नहीं, 7 दिन में मर जाओ आप, है ऐसा ही अचानक श्राप मिल गया कि 7 दिन के अंदर मर जाएंगे। और जब परीक्षित महाराज, अब आप सोचिए परीक्षित महाराज जैसा क्षत्रिय राजा, और उनका वंश देखिए, एक से एक बड़े जहां क्षत्रिय राजा जिस वंश में हुए हैं, उस वंश में ऐसा कोई, मतलब एक क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण के साप से मृत्यु होना माने बहुत ही बड़ा बुरी बात है, है ना। क्षत्रिय मरता है युद्ध में लड़ते हुए, ये उसके लिए एक वैभवशाली मृत्यु होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज को क्या मिला, ऐसी मृत्यु, एक ब्राह्मण का शाप से मृत्यु मिलेगी, वो भी सांप के काटने से, हैं तो, और वो भी अचानक, ऐसा कोई बड़ा पाप भी नहीं कर दिया, है ना। तो परीक्षित महाराज को जैसे सब खबर मिलती है कि भैया आपकी तो मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में तक्षक में लगा के आपको काट लेगा, तो अच्छा। तो परीक्षित महाराज का हम पॉइंट यहाँ है कि परीक्षित महाराज, एक और उदाहरण, इनके जीवन में कष्ट आ गया इतना बड़ा क्या, सबसे बड़ा, अरे इनकी खुद की मृत्यु, अभी तक बाकी उदाहरणों में उनकी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही, यहाँ पे खुद की मृत्यु की खबर आ गई, क्या खबर, 7 दिन में मरना है, अरे वाह 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 वाह, भगवान का बड़ा बहुत धन्यवाद, भगवान ने मेरे ऊपर इतनी महान कृपा कर दी कि मुझे मृत्यु की डेट बता दी, है ना, नहीं तो पता नहीं चलता अब, और तो और इतनी बड़ी कृपा कि मेरे पास 7 दिन हैं। खटवांग महाराज को तो एक मुहूर्त मिला था और उसमें वो भगवत भक्ति करके भगवत धाम चले गए,
तो मेरे पास तो 7 दिन है, देखिए देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हो गई है कि मुझे 7 दिन मिल गए हैं, अब मैं आराम से जो है भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। तुरंत कोई रोना नहीं गाना नहीं, भगवान को बहुत धन्यवाद देते हुए तुरंत के तुरंत जन्मेजय को राजपाट दे के, ये नहीं कि अब अरे 7 ही दिन मिला रहे, यहाँ जाना था वहां जाना था ये करना था वो का, ऐसा कुछ नहीं कि भैया बहुत सारी, और ऐसा कोई नहीं कि वो भिखारी हो, राजा बहुत सारे पेंडिंग काम रह सकते हैं भाई, लेकिन सब छोड़ के इमीडिएटली और साधु वेश में गंगा किनारे बैठ गए सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण करने के लिए। तो ऐसा एटीट्यूड ऐसा भाव दिखा रहे हैं, समस्या आने पर जीवन में हम क्या करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें परीक्षित महाराज अपने चरित्र से सिखा रहे हैं कि हमें कैसे जब जीवन में कष्ट आएगा तो कैसे देखना है उसको, है ना। इसके बाद अम्बरीश महाराज ने तो कोई भी गलती नहीं करी बेचारे ने, और उनको इतना बड़ा श्राप मिल गया, अच्छा खासा द्वादशी का व्रत के चक्कर में, एकादशी व्रत के चक्कर में, और दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया और वो इतना बड़ा फायरी डीमन आग का वो राक्षस बना दिया। लेकिन देखने वाली बात यह कि अम्बरीश महाराज जब वो राक्षस उनको मारने के लिए आया तो एक कदम भी हिले नहीं, क्यों, उनको पूरी तरीके से विश्वास है कि अगर कृष्ण ने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे मरना है तो कोई बचा नहीं सकता है, और अगर कृष्ण ने निश्चय किया कि मुझे नहीं मरना है तो कोई मार नहीं सकता है। और तो और अम्बरीश महाराज अपना मृत्यु का डर नहीं है, सिर्फ कृष्ण पे भरोसा है। और तो और जब दुर्वासा पूरा चक्कर काट के आ जाते हैं और विष्णु जी उन्हें बताते हैं कि भैया अम्बरीश महाराज ही कुछ कर सकते हैं, तो अम्बरीश महाराज सुदर्शन से कहते हैं कि मैंने आज तक जितने पुण्य किए हैं सब आप ले लो और उसके बदले में दुर्वासा मुनि को छोड़ दो। तो जिसने आपके साथ ऐसा किया उसको ये अगला स्टेप है, जिसने आपके साथ ऐसा गलत किया आपको मारने का प्रयास किया आप उसकी रक्षा के लिए अपना सारा पुण्य कर्म दे रहे हैं। देखिए एक और महान चरित्र भागवतम के, है ना। तो इसके बाद जो है प्रहलाद महाराज का तो चरित्र हम जानते ही हैं, कितने कष्ट उनको दिए गए, है ना, पर वो हर कष्ट में भगवान हरि के नाम लेते हुए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तेल में डाला, गर्म तेल में डाला, वो फूल बन गया। सर्पों के सामने डाला, सर्प कहते अरे ये तो हम तो इनका बिस्तर है, है ना। गजेंद्र बड़े बड़े पागल हाथियों के सामने डाला, वो नमस्कार करके चल दिए, है ना। और पहाड़ से फेंक दिया, उनको विष्णु जी ने पकड़ लिया। तो प्रहलाद को तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये दुख है कष्ट है क्या है, उनको तो सब हरी कृपा ही लग रहा है, है ना। अच्छा, इसके बाद एक कथा हम और सुनते हैं मीराबाई का, उनको देखे कितना कष्ट मिला है, वो तो कृष्ण इच्छा समझ के जहर को भी पी गई, है ना। तो और एक और भागवतम में उदाहरण है बलि महाराज का। तो बलि महाराज का उन्होंने तो सब कुछ दे दिया कृष्ण को, कृष्ण स्वयं आ गए उनसे सब कुछ छीनने के लिए, है ना। कृष्ण ने उनसे सब कुछ छीन लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे आप तो खाली चरणों में थोड़ा सा जल अर्पण करने से प्रसन्न हो जाते हैं, इसने तो सब कुछ दे दिया फिर भी आप इसको बंदी बना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का गुणगान करना चाहता हूँ, किस तरीके से जो है मैं सूतल में जाके और इनके यहाँ पे सेवक बनूंगा तो बलि महाराज की जो गुणगान है वो पूरे विश्व में फैलेगा, और साथ ही साथ इनको जो थोड़ा धन का जो अभिमान था वो मैं इनको विनम्र बनाने के लिए इनका धन जो है छीन लूंगा। तो जिस चीज से भक्ति में हमें व्यवधान आएगा भगवान से छीन लेंगे, है ना। सुदामा को कहते हैं कि सुदामा को तो ऐसा कुछ लगा कि मैं ही सबसे ज्यादा गरीब हूं, तो उसको पैसा देके उसको धनी बना के भगवान ने विनम्र बना दिया। तो इस तरीके से इतने सारे उदाहरण भागवतम में हैं जिसमें भक्त कभी भी इतने बड़े बड़े कष्ट आने के बावजूद भी भक्त जो है भगवान को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। इंद्रदुम्न महाराज को अच्छा खासा भगवान की सेवा कर रहे थे, बीच में आके अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, वो जाके अगले में बेचारे हाथी बन गए। तो सब अपने भगवान को कोई वो नहीं दोष दे रहा है, अरे इतना पूजा किया, सब क्या देख रहे हैं
कि भगवान ने हमें एक कृपा करी है हमारे ऊपर, है ना। तो जो जीवन में जो कष्ट है उनको भगवान की कृपा समझ के वो दे रहे हैं। भगवान भी कष्ट इसलिए दे रहे हैं भक्त को कि वो भगवान अपने भक्त का गुणगान करना चाहते हैं। जब किसी को कष्ट मिलेगा और वो उन कष्टों में किस तरीके से व्यवहार अपना दिखाता है, उससे पता चलेगा कि उनका भक्ति कितना स्ट्रांग है। और भगवान अपने भक्त को इस तरीके से जो है गुणगान उसका उसके कराते हैं कि लोगों को सीखने को मिलता है, देखो ये कृष्ण भक्त थे इसलिए इनके जीवन में इतने कष्ट आए, फिर भी ये जो है अपनी भक्ति से हिले नहीं, है ना। इनकी भक्ति इतनी कठोर थी, इनके जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया पर इन्होंने आसानी से इस कष्ट से जो है ये बाहर निकाला है, है ना। इस तरीके से भगवान अपने भक्तों को बहुत सारे कष्ट दे कभी कभी देते हैं ऐसा लगता है ना। और भगवान के भक्त सोचते हैं कि ये तो भगवान की कृपा है कि जो है हमें जो कष्ट हैं वो कम मिल गए, एक्चुअली में तो मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे जो है और ज़्यादा कष्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा मेरे पर हो गई है कि इन कष्टों को भगवान ने जरा सा छोटा सा कर दिया है। मुझे तो जैसे मान लीजिए पूरा हाथ टूटना था, फ्रैक्चर होना था, पर खाली जो है स्क्रैच से काम चल गया, है ना। तो भगवान तो ऐसा नहीं है कि अभी भक्ति कर रहे तो हमारे जीवन में, क्योंकि कभी कभी लोग प्रश्न कर देते भैया अरे देखिए वो 10 साल से भक्ति कर रहे थे फिर भी उनके घर में ऐसा हो गया, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो कुछ चीज़ें तो होंगी, भौतिक जगत है, जरा मृत्यु जरा व्याधि तो लगी रहती है, लेकिन जो कष्ट हमें मिल रहे हैं, जो दिक्कत परेशानी हमें मिल रही है, ये हमारी परीक्षा है कि हम देखें कि हाँ भाई कितनी भक्ति हमने सही में करी है, कितना श्रवण कीर्तन हमने किया है। और हम जो है आपको एक लास्ट उदाहरण भागवतम का बताएंगे, है ना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, है ना। और वो उसके साथ हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो इसको टॉपिक है, उदाहरण है भागवतम में स्वयंभू मनु का, है ना। स्वयंभू मनु के जब तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय में करदम और देवती की शादी जहाँ हो रही है, तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा उनकी शादी के बाद जब वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पे भागवतम में उनकी नगरी बर्हिष्मति के बारे में भी थोड़ा विवरण आता है, है ना। तो विवरण आता है कि बर्हिष्मतीम नाम विभर्याम निर्विश्य समावस तस्याम प्रविष्टो भवन तापत्रय विनाशनम तापत्रय विनाशनम। जो बर्हिष्मति जो मनु की राजधानी है, मनु महाराज पूरे स्वयंभू मनु पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और बर्हिष्मति उनकी राजधानी थी, उसमें वो रहते थे, वो उस नगर का जो वातावरण था, वो वातावरण जो भौतिक जगत के तीन ताप हैं, अधिदैविक अधिभौतिक अधिआत्मिक, तापत्रय विनाशनम, उनको नष्ट कर दिया उसने, नष्ट करने वाला वातावरण था वहाँ पे। माने वहाँ पर उस नगरी में बर्हिष्मति नगरी में जो है किसी भी तरीके का कष्ट जो है नहीं था, और कष्ट क्या, वो हर तरह के कष्ट, तीनों तरह के तापत्र, तीन तरह के जो ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, है ना, सभी तरीके के कष्टों को खत्म करने वाला वहां पे वो वातावरण था। कैसे था भैया, तो कहते हैं सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुज्येन्या विरोधता संगीयमान सत्कीर्ति सस्त्रीभिः सुरगायके प्रत्युषेश्वन स्वनु बद्धेन हृदा श्रणवन हरे कथा। रोज सुबह सलिष्ठ जो गंधर्व और सब उनकी पत्नियां आ आ के सम्राट स्वयंभू मनु का गुणगान गाते थे, हैं, रोज सुबह उनका मॉर्निंग प्रोग्राम यही है, मनु का आके गुणगान गाओ। और मनु का मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, मनु महाराज का, उनका है मॉर्निंग प्रोग्राम श्रणवन हरे कथा।
अनुबद्धेन हृदय श्रणवन हरे कथा, है ना, बिल्कुल हृदय उनका आकर्षित है कृष्ण कथा की तरफ, और हर दिन वो सुबह सुबह सच्चे मन से हृदय के साथ कृष्ण कथा को सुनते हैं, रोज सुबह, है ना, रोज सुबह वो कृष्ण कथा को सुनते हैं। नित्यम भागवत सेवया निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वयंभुवम मुनम यदा भ्रंशितुम भोगा नाशे कुर भगवत परम। तो स्वयंभुव मनु ऐसे राजर्षि, संत जैसे राजा, है ना, वो भौतिक चीजों में लगे तो थे, देखने से तो लगता है राजा हैं, राजमहल में रहते हैं, पत्नी है और इतना सब कुछ, सम्राट है, प्रजा है, सब है, लगता है कि भौतिक चीजों में है, है ना, और भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वो जो काम क्रोध लोभ मोह जीवन के भौतिक जगत की जो निम्न चीजें हैं, निम्न कोटि की चीजें हैं, उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है कृष्ण कथा को सुन रहे थे, है ना, वो भौतिक सुख में तो थे, भौतिक सुख को उन्होंने कैसे आनंद लिया, कृष्ण का भगवान कृष्ण में अपना मन लगा के कृष्ण भावना भावित वातावरण में वो भौतिक चीजों को आनंद ले रहे थे, भौतिक सुख का, है ना, माने सब कुछ था पर कैसे उसको उसको समझ रहे थे कि सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में लगाना है, इस भाव से वो वहां पे थे और अपने राज्य को चला रहे थे, और इस तरीके से उन्हें उनके राज्य का जो वातावरण था वो इस भौतिक जगत के तीनों तापों को नष्ट करने वाला वातावरण था, कोई भी वहां पे कष्ट नहीं था, है ना, और इस तरीके से मनु महाराज पूरा मनमंत्र जिए, पूरा मनमंत्र माने सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग मिला के एक चतुर्युग बोलता है, ऐसे 74 चतुर्युग मिला के एक मनु की उम्र बनती है। तो इस तरीके से एक दो दिन उन्होंने कथा नहीं सुनी रोज, कितने, है ना, अब एक 73 साइकिल चतुर्युगों की, इतने समय तक उन्होंने जो है कृष्ण कथा को रोज सुना और अपना राज बड़े आसानी से किया। तो कहते हैं, भागवतम कहती है कि आयात यामास्तस्यासन यामः स्वान्तर्यापनः श्रृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवत् कथा। वो क्योंकि वो हमेशा भगवान कृष्ण की कथा सुनने में, उसका चिंतन करने में, उसको लिखने में और उसका कृष्ण का कथा करने में, गुणगान करने में और हरि नाम का जप करने में, कीर्तन करने में, भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में उनका पूरा एक मनमंत्र बीत गया और उनको भौतिक जगत के किसी कष्ट का पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भौतिक जगत में कष्ट तो आ सकते हैं, भक्ति करते समय कष्ट तो हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत बड़े बड़े दुख आ सकते हैं, इतने बड़े बड़े भक्तों के जीवन में दुख आए, है ना, तो क्या हमारी भक्ति उनसे ज्यादा है, है ना, लेकिन भक्ति भक्तों के जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, उनका खुद का गुणगान करने के लिए और उनको कभी कभी उनकी परीक्षा लेने के लिए, है ना, और साथ ही साथ हमने स्वयंभू मनु के चरित्र से हमने देख रहे हैं कि जो कृष्ण कथा में पूरी तरीके से लगा हुआ है और नित्य भागवत सेवा कर रहा है, कृष्ण कथा सुन रहा है, श्रवण कीर्तन में ही उसका मन लगा हुआ है, उसको तो ये तापत्रय विनाशन, वो क्या है, वो तो तीनों कष्टों को नष्ट करने वाला है, उसको तो ये तीन तरह के कष्ट होंगे ही नहीं, है ना, वो तो इन प्रकृति के जो तीन ताप हैं इनसे वो प्रभावित ही नहीं हो रहा है, है ना, क्यों, कृष्ण कथा में इतना खोया हुआ है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, है ना। तो इस तरीके से जैसे स्वयंभू मनु ने इतना लंबा जीवन काल निकाल दिया कृष्ण कथा सुनते सुनते और कोई कष्ट का पता नहीं चला, उसी तरीके से हम भी जो है कृष्ण कथा में इतने लीन हो सकते हैं कि जो है आराम से भक्ति करते हुए और हम जो है प्रबुद्धम जा सकते हैं और कोई भी हमें इस तरह की चीज़ें परेशान नहीं करेंगे। जीवन में बड़े बड़े कष्ट आ सकते हैं पर वो हमें परेशान नहीं करेंगे,
है ना, वो हम उस कष्ट को कैसे देखना है ये हम इन भक्तों के चरित्र से देखेंगे सीखेंगे, है ना। तो वो कष्ट तो आएंगे लेकिन वो कष्ट हमें विचलित नहीं करेंगे, ना तो अपने भौतिक जो कार्यकलाप है या जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको करते समय और भक्ति के क्रियाकलाप करते समय भी हम विचलित नहीं होंगे, ये कष्ट हमें विचलित नहीं कर सकते, कृष्ण कथा का ये प्रभाव है ना। तो क्योंकि हमें पता है गीता भगवान कह रहे हैं भाई जैसे जैसे सर्दी है वो जाएगी जाएगी और गर्मी आएगी आएगी और गर्मी आएगी तो जाएगी और फिर सर्दी आएगी, ये तो चलता रहेगा है ना, तो इसको हमें टॉलरेट करना है ना। तो वो भक्त जानता है कि संसार में वैसे तो संसार दुखाला ही है और इसका असर अशाश्वत मेहमान है, जो कुछ है वो थोड़ी देर के लिए है ना और थोड़ी देर बाद वो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं भागवतम के इतने सारे भक्त और भी हैं भागवतम में, पूरे इतने इतने चरित्र भक्तों के बताए गए हैं जो सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि हर परिस्थिति में किस तरीके से हमें एक चीज को नहीं छोड़ना है और वो है कृष्ण के चरण, और कृष्ण के चरण में बस अपने मन को लगाना है और बाकी फिर क्या फर्क पड़ता है। जिसका मन कृष्ण चरण में लग गया है उसको कहाँ पता चलता है उसको कि दुख है कि कष्ट है, उसको उसको ना उसको किसी चीज का पता ही नहीं चलता है ना। जिस तरीके से जैसे एक अगर किसी व्यक्ति का किसी जगह बहुत, जैसे कोई व्यक्ति एक महाराज जी बता रहे थे कथा में कि वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था अपनी पत्नी के चिंतन में, प्रेमिका के चिंतन में, और उसको पता ही नहीं है आगे से बारात निकल गई क्या निकल गया उसको कुछ पता ही नहीं है ना। जब कृष्ण के चरण में हमारा मन, जब एक व्यक्ति का मन किसी भौतिक चीज में इतना लग सकता है कि वो अपने आसपास की चीजों से अनभिज्ञ हो जाएगा, अपने आसपास के दुख परेशानियों से अनभिज्ञ रहेगा, अप्रभावित रहेगा, तो फिर जब कृष्ण के चरण में अगर मन लग गया तो हम भौतिक जगत की चीजें हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं, है कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से समझने वाली बात है कि एक ही चीज करने के लिए है और वो है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, है ना। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।